अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत बहुत दिनों बाद जो व्लॉग शूट कर रही हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं जो है व्लॉग बना बना के डिमोटिवेट हो चुकी थी। मतलब व्लॉग बनाने की वजह से नहीं, व्लॉग पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था, कुछ अच्छे लाइक्स नहीं, व्यूज़ नहीं, कमेंट्स नहीं, तो इस वजह से मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। तो मैंने सोचा था कि अब मैं नहीं बनाऊंगी व्लॉग जब तक मुझे प्रीवियस वीडियोस पे जो है वो कुछ अच्छा रिव्यू ना मिल जाए। लेकिन फिर मैंने बहुत मुश्किल से खुद को मोटिवेट किया। अगर मैं बना भी लेती थी तो मेरा एडिट करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, लेकिन आज मैंने खुद को मोटिवेट किया कि मुझे व्लॉग बनाए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है, वो आप लोग को वीडियो के एंड में पता चलेगी कि गुड न्यूज़ क्या है। वीडियो का लास्ट में तक देखिएगा गुड न्यूज़ के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस चीज़ पे वीडियो बनाना, तो जिसकी वजह से फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मैंने कहा नहीं, उस चीज़ को मुझे वीडियो में ज़रूर लेना है। जी बेटी, मेरी बेटी हमेशा आ जाती है, तो उस चीज़ को मुझे वीडियो में ज़रूर लेना है। तो इस वजह से फिर मैंने आज व्लॉग बनाया, और इंशाल्लाह आगे भी बनाऊँगी। अब आप लोग प्यार देंगे तो ज़रूर मैं मोटिवेट होंगी। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, आज मैं बहुत स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ बहुत दिनों के बाद। तो चलिए किचन में चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी। किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने रेडी किया है ये चिकन, और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ चाइनीज़, और चिकन मैंने रेडी किया है चाइनीज़ शाश्लिक स्टिक के लिए, लेकिन मेरा चाइनीज भी होगा और देसी फूड भी होगा, दोनों मिक्स करके मैं जो है वो चाइनीज देसी, हाँ चाइनीज देसी फूड आज बना रही हूँ। चलिए चिकन को सबसे पहले रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे की रेसिपी बताती हूँ। वो यहाँ पे मैंने चिकन को जो है वो वॉश करके रख लिया है, इसको इतने छोटे छोटे पीसेस में मैंने जो है वो कट किए। दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी दही। ये मैं चिकन शाश्लिक स्टिक के लिए जो है वो तैयार कर रही हूँ, लेकिन चिकन शाश्लिक स्टिक जो है वो थोड़ी फीकी फीकी सी होती है और चाइनीज ऑलरेडी फीका होता है, तो इसीलिए मैं इसको बाद भी क्यों के मसाले से बनाऊंगी। यहाँ पे बिहारी कबाब का मसाले थोड़ा स्पाइसी होता है, थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, तो इस मसाले से जो है वो मैं इसको रेडी करूंगी। तो यहाँ पे ये ना मेरे पास पूरा एक पैकेट मसाले, इसमें से आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितना आपको स्पाइसी चाहिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, पानी वाला हिस्सा नहीं लेना है, जो इस तरह वाला हिस्सा होगा वो ले लेना है, पानी वाला हिस्सा मैंने जो है वो साइड में कर दिया। अब इसको जल्दी से पूरे को मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने ग्लव्स पहन लिया हाथ में, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो कटा हुआ है तो मुझे जलन होती है इसको मिक्स करने पर, इसीलिए मैंने ग्लव्स पहन लिया हाथ में। तो अब ये बिल्कुल सही है मसाला। यहाँ पे एक लेमन है, इसको जो है वो मैं इसमें निचोड़ दूंगी, इससे थोड़ा जूसी हो जाएगा। और अभी जो है नमक इसमें मैं और ऐड करूंगी एक्स्ट्रा में, क्योंकि इसके मसाले में जो है वो नमक कम होता है। तो इसको जो है वो मैं आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ दूंगी। यहाँ पे ये सब वेजिटेबल्स है जो मैंने ऑलरेडी छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख ली थी। सबसे पहले यहाँ पे बंद गोभी, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो कट की है। उसके बाद यहाँ पे है गाजर, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक से बारीक कट की है ताकि मुंह में आए तो ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लगे। और यहाँ पे ये हरी प्याज है, इसको भी मैंने बारीक बारीक थोड़ा सा कट करके रख लिया, क्योंकि मुझे हरी प्याज ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं कम ही डालूंगी। और उसके बाद ये शिमला है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में जो है वो कट करके रख लिया है। अभी मेरी सारी वेजिटेबल्स तो डन है, अब मैं यहाँ पे ये जो एग्स है इनको सबको तोड़ के एक बाउल में जो है वो इकट्ठा कर लूंगी, ताकि मुझे डालते वक्त अलग अलग ना इन्हें तोड़ना पड़े। तो मैंने चावल जो है बॉइल होने के लिए चढ़ा दिए, जब तक चावल बॉयल होते तब तक मैं अपनी जो चिकन स्टिक्स रेडी कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ दो तरह के स्टिक्स हैं, एक लंबी और एक छोटे वाली। मैं छोटे वाली लूंगी, मुझे फ्राई पैन में बनाना है, तो सबसे पहले इनको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। अभी ये हो गया रेडी, मतलब मैंने वॉश कर लिया। अभी इस पे हल्का सा जो है वो मैं घी या फिर ऑयल कुछ भी जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो लगा लीजिए। अब मैं एक एक करके हर स्टिक में जो है वो चिकन और ये तीनों चीज़ें जो है वो लगाती जाऊंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने सारी स्टिक्स जो है वो रेडी कर ली हैं, अभी इनको मैं बाद में करती हूँ, सबसे पहले मुझे जो अपना चाइनीज़ बना लूँ। इनको तो कितनी यम्मी लग रही है अभी से, बारबेक्यू स्टिक्स, इन्हें चाइनीज़ स्टिक तो नहीं बोल सकते, बारबेक्यू स्टिक्स हैं ये। तो अभी जो है वो ऑयल हीट हो चुका है, अभी मैं इसमें यहाँ पे 5 eggs है इसका ऐड कर देती हूँ। eggs को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया ताकि इसमें से जो वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आए। अब इसमें एक एक करके मैं अपने बाकी सारे वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर दूँगी। बंद गोभी, गाजर और शिमला। वेजिटेबल्स माशाल्लाह से मैंने ज़्यादा काटी थी, बाहर का अगर चाइनीज खाते हैं तो उसमें तो वेजिटेबल्स ना के बराबर ही होती हैं, लेकिन मैंने घर में बना रही हूँ तो इसलिए कंजूसी नहीं ज़्यादा करके डाली है ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे खाने में। अभी इसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से,
साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं सिर्फ इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक वैसे मैंने चावल में भी ऐड किया था, इसलिए मैं इसमें कम ही ऐड करूंगी, ज्यादा ऐड नहीं करूंगी। और उसके बाद मेन चाइनीज खानों की जान ब्लैक पेपर। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यहाँ पर मेरे पास चिकन पाउडर है, वो ज्यादा नहीं ऐड करिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करिएगा, सिर्फ खुशबू के लिए ऐड किया जाता है। और मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, कि चाइनीज में सब्जियां हल्की हल्की कच्ची अच्छी लगती हैं, फुल पक जाएंगी तो फिर वो टेस्ट नहीं रहेगा और मज़ा भी बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद अपनी सॉसेज ऐड कर लूंगी। सॉसेज में यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। बस इसमें यही दो सॉस ऐड होंगे, चिली सॉस नहीं ऐड होगा। ये आप ऐड कर लीजिए 1-2 टेबल स्पून। तो हम लोग की सब्जियां जो है वो अच्छे से जो है हो चुकी हैं फ्राई। अब मैं इसमें जो है राइस मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, इसको हल्का सा कच्चेपन पे रखा था, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसमें राइस डाल के जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये देखिए कुछ इस तरह का है ये। लेकिन चावल जो है वो हमारा एक कनी पे है, तो अभी इसको मुझे दम पे रखना है 5 मिनट के लिए, तो हम लोग का चाइनीज जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। जब तक हम लोग का चाइनीज दम पर है, तब तक हम लोग अपनी स्टिक्स रेडी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया। अभी इसमें मैं हल्का सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डीप फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा उसको फ्राई करना है। दिस इज फाइनल लुक, फाइनली रेडी हो ही गया। इतनी इंतज़ार के बाद, इतनी मेहनत के बाद, और मेरी बेटी से इंतज़ार नहीं हो रहा कि फ़ौरन से खा लें वो, और मुझसे भी अब इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं और वेट करूं और अपने डिलीशियस फूड को और वेट करवाऊं। तो जल्दी से अभी इसको फिनिश करती हूँ। जी खाना वाना तो हम लोग का अल्लाह का शुक्र है हो गया, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था। बेटी चुप, मैं अपनी चीज़ की ऐसी तारीफ नहीं करती, सच में बहुत अच्छा बना था। चलिए अब बारी है सरप्राइज़ की, जिसका आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे यकीनन, के गुड न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ पर एक ये गद्दा और दूसरा एक वो, ये दोनों बिस्तर जो है वो मैंने रेडी किए हैं फातिमा के रूम ने, क्योंकि फातिमा के जो है वो फेवरेट बंदे आने वाले हैं। अभी फातिमा भाग रही है, तो वो लोग हैं मेरी मामा और मेरे भाई आ रहे हैं। यार मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी खुश हूँ। और यहाँ पे अपने मामू के बिस्तर पे सो गई है। मामू जी देख लीजिए, फातिमा के बिस्तर पे आपसे पहले सो चुकी है। इसके मामू अभी देखेंगे, इसको फिर आके बताएंगे। और फातिमा भी बहुत खुश है। और मैं पूछती हूँ उससे, फातिमा कौन आ रहे हैं जल्दी से बताइए। मामू आ रहे हैं, इसको भी पता है मामू आ रहे हैं। तो मैं बहुत खुशी हूँ कि मेरी मामा और मेरे भाई आ रहे हैं, तो बस मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहे। अभी वो इस वक्त सफ़र में ही है, कल यस बेबी इंशाल्लाह कल सुबह तक या दोपहर तक जो है वो पहुँच जाएंगे। और बस अभी फातिमा भी सो गई है और सब लोग सो चुके हैं, अब मैं भी सोती हूँ। इसी के साथ गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलूंगी कल एक और ब्लॉग के साथ, तब तक इस ब्लॉग को इन्जॉय कीजिए, लाइक कीजिए और अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए।